किसानों के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, तो किसान भी जंतर मंतर तक पहुंच गए, यानी कि संसद भवन परिसर के बाहर तक लगातार प्रदर्शन भी जारी। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद अनिल जैन जी। अनिल जी, विपक्ष कह रहा है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं, किसान कह रहे हैं सरकार सुनने को तैयार नहीं, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, सरकार तो सरकार के मंत्री ने माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बहुत कैटेगरिकल स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि सरकार वार्ता के लिए सरकार के द्वार खुले हैं, कभी भी कोई भी आकर वार्ता करने के लिए अगर इच्छुक है तो कर सकता है, सरकार ने कभी वार्ता के लिए मना नहीं किया। जहाँ तक पिछली वार्ताओं का दौर था, तमाम बार बैठे, अगर आप एडमेंट हो जाइएगा और तर्क या तथ्य दोनों को नकार कर एक बात पर एडमेंट हो जाइए तो ये वार्ता नहीं होती, फिर तो शर्तें होती हैं, शर्तों पर वार्ता नहीं हो सकती। जो बात सही है उसको सरकार मानने को तैयार है और सरकार ने तमाम बातें इनकी मानी, ज़्यादातर बातें मानी ली थी, और उसके बावजूद आप एडमेंट हो जाएंगे कि नहीं इसको निरस्त करिए, ऐसे तो देश नहीं चलता, कानून नहीं चलता, सरकारें नहीं चलती। लेकिन किसान पिछले 7-8 महीनों से सड़कों पर बैठे हुए हैं, आज वो जंतर मंतर पर पहुँचे हुए हैं, किसान संसद लगा रहे हैं, विपक्ष भी यही कह रहा है कि किसानों की बात क्यों नहीं सुनना चाहती सरकार, कोई तो नतीजा निकलेगा, अनिश्चितकालीन तो नहीं बैठ सकते ना, हमारे देश के अंदर आता है। देखिए, ऐसा है ना, किसानों की जहाँ तक बात है तो जो किसानों को लाभ मिलता था उससे कई लाख किसानों को ज़्यादा लाभ इस बार मिला, जो खरीद होती थी वो खरीद भी बढ़ी है, खरीद भी बढ़ी, बेचने वाले भी बढ़े, किसानों को लाभ भी ज़्यादा हुआ, किसानों को शुद्ध मुनाफा ज़्यादा हुआ, तो किसान किस बात पर अड़े? जो बात कह रहे हैं उसके विपरीत किसानों की बातें सुनी गई और कही गई, इसके बावजूद अगर वो एक इस मुद्दा पर कि सरकार को लेट डाउन करेंगे, हम कानून का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, हम जो मर्जी आएगी वही कहेंगे वही करवाएंगे, ये तो संभव नहीं है। यानी साफ तौर पर बीजेपी सांसद अनिल जैन का ये कहना है कि किसान सिर्फ अपनी शर्तों के आधार पर बात करना चाहते हैं, जो ठीक नहीं है। सरकार बातचीत करने को तैयार है लेकिन किसान अपनी मुद्दों पर अड़े हुए हैं और ऐसी बातचीत आगे नहीं बढ़ती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं, बशर्ते किसान भी बातचीत के लिए आगे आए। हमारे साथ मौजूद हैं दीपेंद्र हुड्डा, राज्यसभा सांसद कांग्रेस के। दीपेंद्र जी, आप लोग भी लगातार इस मुद्दे पर जो है चर्चा की मांग कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं हमारी बात नहीं सुनी जा रही, लेकिन सरकार कह रही है हम तो बातचीत को तैयार हैं, लेकिन एडमेंट होकर के बातचीत नहीं हो सकती। ठीक, एडमेंट कौन है, सरकार है कि किसान है? सरकार एडमेंट है, सरकार कह रही है कि हम आपकी कोई बात मानेंगे नहीं और फिर बातचीत करिए, ये प्रस्ताव है सरकार का। दूसरी बात, सरकार इस सदन में, संसद में किसानों के मुद्दे पे चर्चा का के लिए समय भी नहीं दे रही। दुर्भाग्य इस देश का कि जिस सरकार के पास अपनी फ़ोन टैपिंग के माध्यम से प्रतिद्वंदियों की बातचीत सुनने का तो समय है, मगर संसद के अंदर अपने ही देश के किसान की बात सुनने का समय इस सरकार के पास नहीं है। लेकिन आप लोग भी सदन में भी आपने नोटिस दिया है, क्या मांग क्या कर रहे हैं? देखिए, आज लगातार तीसरे दिन मैंने नोटिस दिया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने नोटिस दिया कि किसानों के मुद्दे पे तुरंत, कार्यस्थगन प्रस्ताव था 267 में कि तुरंत उस पर चर्चा की जाए। लगभग 10 अन्य सांसदों ने भी आज उस नोटिस को ज्वाइन किया, अलग अलग दलों के सांसदों ने कि भाई इसी मुद्दे पे तुरंत अविलंब चर्चा की जाए, मगर माननीय सभापति जी ने हमें बोलने का अवसर देने के से ही पहले उन नोटिसेस को पहले दो दिन की तरह ही आज भी खारिज करना उचित समझा, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जब तक किसान की आवाज़ को यहाँ स्थान नहीं मिलेगा, जब तक हमें किसानों के मुद्दे पे चर्चा के लिए कोई सरकार की तरफ से कोई सहमति नहीं बनेगी, तब तक हम किसान की आवाज़ पूरी तरह से उठाएंगे। जब खारिज किए गए नोटिस, तभी गतिरोध बना, तभी संपूर्ण विपक्ष जो एक स्वर में आगे आया और उसी गतिरोध की वजह से संसद की कार्यवाही स्थगित हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी लगातार ये कह रहे हैं, जब संसद का सत्र शुरू हुआ था उन्होंने भी कहा कि शांतिपूर्वक माहौल में हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, जवाब देने को तैयार है, तो ये गतिरोध बना करके तो उससे तो कोई नतीजा नहीं निकल रहा। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि ये तो सरकार तय करती बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से समय दे। अगर भारत देश के किसान के मुद्दों पे चर्चा का समय भारत देश की संसद में नहीं मिलेगा तो क्या जिम्बाब्वे की संसद में मिलेगा? ये संसद क्यों बनी थी? अपने देश के लोगों के मुद्दों को सरकार के कान तक पहुंचाया जा सके, उनके हकों की लड़ाई लड़ी जा सके, क्या हमारा देश का किसान हमारे देश का नागरिक नहीं? यानी साफ तौर पर कांग्रेसी सांसद का यही कहना है कि किसानों के मुद्दे पर अगर चर्चा नहीं होगी तो किस मुद्दे पर होगी? हमारे देश के अन्नदाता हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं,
और अगर उनके मुद्दे पर ही चर्चा हम नहीं कर सकते तो आखिर संसद में फिर किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहेगी सरकार? और इसी मुद्दे को लेकर के गतिरोध जारी है, हंगामा हुआ है और सदन की कार्रवाई भी लगातार स्थगित होती रही है। उनसे जो जिन मुद्दों पर स्थगित हो रही है उन्हीं में से एक मुद्दा किसान का भी है। अंकित गुप्ता, वीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।